गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत दिन के बाद एक वीकेंड राइड हो रहा है और राइड हो रहा है दोस्तों के साथ ही हो रहा है। तो आज मेरे साथ ग्रुप में सुष्मित है और सुष्मित का एक दोस्त है सागर, जिसका घर पुरलिया में है। सो फॉर दिस वीकेंड वी आर गोइंग टू स्पेंड द वीकेंड इन पुरलिया। सामने सुष्मित जा रहा है, उसके सामने सागर जा रहा है एंड सागर हैपन्स टू बी सुष्मित्स ऑफिस कलीग। और ये वीकेंड हम लोग सागर के घर जो पुरुलिया में है वहाँ पे हम लोग दो दिन बिताएंगे, रिलैक्स करेंगे, देन वी विल कम बैक होम ऑन मंडे। फाइनली होटल लाल बाबा है, हम लोग चाय पीने उतरे, देखते हैं अंदर जाके चाय फाय कुछ मिलता है कि नहीं, शायद कोल्ड ड्रिंक भी हो सकता है, देखें क्या होता है, लेट्स सी। होटल लाल बाबा जहाँ पे सिर्फ हम लोग सिर्फ चाय पी रहे हैं और कुछ नहीं। सी ऑन द राइट हैंड साइड पूरा पानी है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में कोई पानी नहीं है। बराज का फंक्शनलिटी यही है, इट कंट्रोल्स द वाटर। आप देखिए ऑन द राइट हैंड साइड पूरा पानी है और लेफ्ट हैंड साइड में देखिए एकदम पानी बोले तो एकदम ही ना के बराबर है। तो बराज का फंक्शनलिटी यही है, टू कंट्रोल द वाटर। ये रहा रोखा गली रेस्टोरेंट। अब दोपहर को हम लोग यहाँ पे खाएंगे। पुरुलिया इज अनदर 55 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। चलते हैं। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए मोहन मंजिल में। ये रहा सागर का घर, बहुत ही सुंदर दिखने वाला घर है। ये सागर की मम्मी है। गाइज फाइनली हम लोग सागर के घर पहुंच गए। तो कल रात को और वीडियो नहीं बनाए, सो राइट नाउ वी आर टेकिंग अ टूर ऑफ सागर्स होम। तो उसका घर इतना सुंदर है कि बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा है। आपको दिखाता हूँ इसका घर। ये उसका घर के Yeah।
ये उसका घर का टूर है। यहाँ पे सारे बाइक खड़ा हुआ है, मेरा बाइक ही है, बाकी लोग का बाइक कहाँ है यहाँ पे। और ये एग्जिट है, एक बार बाहर से दिखाता हूँ आपको उसका घर। और पीछे से पूरा खेत है, वो भी बहुत अच्छा है, सीन है, आपको दिखाऊंगा। जहाँ पे हम लोग रुके, दिस इज वन रूम, दिस इज शावर्स फादर्स रूम, दिस इज स्टडी, दिस इज टॉयलेट एंड दिस इज द रूम एलोटेड फॉर अस। और ये रूम से आप ये बाहर देख सकते हो, यहाँ से ठीक से दिखाई दे रहा है क्या, यहाँ से आप। और यहाँ पे हम लोग का बेड है। अब चलते हैं रूफ में। दिस इज नॉट अ बिग हाउस, दिस इज अ ह्यूमंगस हाउस। अरे पीछे से पूरा खेत है, ये वाला पूरा खेत है, ऊपर से भी दिखा सकते हैं, लेकिन वो शाम को जाएंगे तब दिखाऊंगा मैं आपको ऊपर से। तो पुरुलिया में आके मेरे को बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा, यहाँ पे पूरा दिन बिताने का मन कर रहा। अरे वाह, की तैयारी होच्छे मटन, लोकल मटन, लोकल रेसिपी, होपफुली ठीक ठाक होवे। अरे दारुण छे, एरोमाटा मेरी छे, और जब देखते हो छे बुझाई जाच्छे, सबाई इसे कैसे रान्ना करे पर्यटन करते देखो कि रान्ना होच्छे देखे जाए एक बार, ये तो ब्रिलियंट कुक। না আমি এরকম ফার্স্ট এমন দেখলাম যা যার মাথা চিমনিতেও ডেকে যায়। জল ভরছি
तो ये टॉप रूप है और टुडे इज़ होली, वी आर रिटर्निंग होम टुडे। और ये कल मैं छत पे नहीं आ पाया, तो यहाँ से शाम को सनसेट होता है, तो यहाँ से जो सीनरी होता है बहुत सुंदर है। नीचे तीनों बाइक खड़ा हुआ है। हाँ काकी मैं आसची, थैंक यू सो मच फॉर द वीकेंड। तो ये वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा आफ्टर अ लॉन्ग वर्किंग वीकेंड। आज ऑन द डे ऑफ होली वी आर रिटर्निंग होम। पहुँचते पहुँचते लगभग दोपहर तो आराम से ही हो जाएगा। सो टू यू ऑल गाइज, इट इज़ गुड मॉर्निंग एंड अ हैप्पी होली। एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी बैक टू होम फ्रॉम पुरुलिया टू कोलकाता। तो फाइनली वी केम टू बोनलोता रिसोर्ट, बोनलोता होटल टू हैव आवर ब्रेकफास्ट। हाँ ठीक है। ये बोर्ड तो बसिए सब कुछ रखा जाए ना। हमारा अच्छी तीन जन दोपहर का और सुबह का ब्रेकफास्ट एक साथ हम लोग 11 बजे बोनलोता में खा लिए। मैं तो दो आलू पराठा खाया, पेट भर के खाया, अच्छा खाना था। और अभी वापस घर जा रहे हैं और रास्ता पूरा खाली है बिकॉज टुडे इज़ हॉलीडे, टुडे इज़ होली। सो देयर इज वेरी लेस ट्रैफिक टिल नाउ। Finally, घर आ चुका। This is from where I started the journey towards Purulia. और अभी शायद लगभग 2 बजे है शायद। So we actually came very fast. पता नहीं दूसरा व्लॉग कब आएगा, कोशिश करूँगा जल्दी डालने के लिए। Till then, goodbye. See you again in the next vlog.